आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं BHBC न्यूज। चीन पहले ही कोरोना वायरस पर दुनिया भर के कई देशों के निशाने पर आ चुका है और साथ ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। साथ ही दो दर्जन पड़ोसी देशों के साथ चीन का विवाद है। वहीं अब चीन ऐसा अगला कदम उठा सकता है जिससे दुनिया के कई देश चिंतित हो सकते हैं। बता दें, आने वाले समय में चीन हिंद महासागर की ओर रुख कर सकता है। अगर चीन हिंद महासागर की ओर अपनी पनडुब्बियों का रुख मोड़ता है तो फिर इसका व्यापक रणनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ पनडुब्बियाँ तैनात करने से वह जंग के हालात में समुद्री परिवहन आसानी से जारी रख सकेगा। अगर चीन ऐसा करता है तो दुनिया के दूसरे देशों खासकर भारत के लिए चिंता का कारण हो सकता है। फिलहाल भारत के पास दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा पनडुब्बी बेड़ा है। वहीं चीन की नौसेना का विस्तार दुनिया के लिए चिंता का सबब है। इसके चलते बीते दिनों अमेरिका ने भी एशिया में अपने सैनिकों की तैनाती करने का ऐलान किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को भारत समेत एशिया के अन्य देशों के लिए खतरा बताते हुए कहा था, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीनी सेना जिसमें उनकी नौसेना भी शामिल है, को काउंटर कैसे करें। इस समय चीन का सबसे ज़्यादा ध्यान चाइना सी पर है, जबकि भारत के लिए हिंद महासागर भी एक बड़ा मुद्दा है। चीनी पनडुब्बियों ने हाल के सालों में पाकिस्तान और श्रीलंका में बंदरगाहों में मौजूदगी दर्ज कराई है। शांति के वक्त में चीनी पनडुब्बियाँ हिंद महासागर में स्टेट ऑफ मलक्का के रास्ते दाखिल हो सकती हैं। वे अपनी उपस्थिति जाहिर कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें सतह से होकर ही आना होगा। चीन फिर भी भारत को सिर्फ संदेश देने के लिए ऐसा कर सकता है। अगर चीन अपनी उपस्थिति छुपाना चाहेगा तो उसे ऑपरेशन के दौरान काम नहीं आएगा। अभी तक ऐसा माना जाता था कि चीनी पनडुब्बियों का मलक्का स्टेट से बिना नजर आए जाना मुश्किल है, लेकिन अब इसका भी तोड़ निकल आया है। दरअसल हिंद महासागर में घुसने के लिए दो रास्ते हैं, पहला सुंडा स्ट्रेट और दूसरा लोम्बोक स्ट्रेट। ये इंडोनेशियाई श्रृंखला के बीच से गुजरते हैं जो प्रशांत और हिंद महासागर को अलग अलग करते हैं। सिंगापुर से सटे मलक्का स्ट्रेट से यह फायदा है कि इसे पनडुब्बियाँ पूर्वी महासागर के गहरे पानी में पहुँच सकती हैं। इसके बाद वहाँ से वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सुंडा स्ट्रेट सबसे छोटा रूट है, लेकिन ये पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी उथल पुथल वाला है। ऐसे में लोम्बोक स्ट्रेट को प्राथमिकता दी जा सकती है। एक बार हिंद महासागर में घुसने के बाद पनडुब्बियों को चीन लौटने के बिना वहां पुनः स्थापित किया जा सकता था। चीन नौसेना ने पहले ही अफ्रीका के जिबूती में एक बेस बनाया है। चीन की यह चुनौती से निपटने के लिए भारतीय नौसेना भी बहुत तेजी से अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियाँ मलक्का स्टेट पर भी कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। भारत के P-81 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट लगातार हिंद महासागर और अरब सागर में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। समुद्र और आकाश दोनों ही जगहों से भारतीय नौसेना ने चीनी पनडुब्बियों की निगरानी तेज कर दी है। हालांकि हिंद महासागर इतना बड़ा है कि इंडियन नेवी को चीनी पनडुब्बियों को पकड़ना आसान नहीं होगा। युद्ध के समय चीनी पनडुब्बियाँ कहर ढा सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के ग्वादर में निर्माणाधीन एक और चीनी बंदरगाह है। उस बंदरगाह के विस्तार का काम जारी है, जिसे भी चीनी नौसैनिक अड्डे में शामिल किया जा सकता है। ग्वादर में एक फायदा यह भी है कि यह चीन की जमीन से जुड़ा हुआ है। वहीं यदि हिंद महासागर में चीन स्थायी स्क्वाड्रन बनाता है तो फिर इसके प्राकृतिक आधार ग्वादर और जिबूती होंगे। मालदीव में एक छोटा सा द्वीप भी है जिसे चीन रिसोर्ट्स के रूप में विकसित कर रहा है। योजनाकारों का मानना है कि यह कुछ परिदृश्यों में आधार या निगरानी स्टेशन के रूप में कार्य कर सकता है। वहीं चीन को काउंटर करने के लिए भारत भी पूरी तरह से मुस्तैद है। भारतीय नौसेना भी अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है और खतरे का मुकाबला करने के लिए अपने ऑपरेटिंग पैटर्न को संशोधित कर रही है। इस बात के प्रमाण हैं कि भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पनडुब्बियों को तैनात करने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है। यह मलक्का स्टेट में पनडुब्बियां गतिविधियों की निगरानी करने के लिए महत्वपूर्ण है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए BHBC न्यूज। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।